हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को केस स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके सामान्य विज्ञान के खास तौर पर हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके बहुतायत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इनमें दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। आराम से आप देखेंगे वीडियो को और सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, और सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप नोट करते रहेंगे कॉपी में। ये बहुत ही एग्जाम आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देखता है दोस्तों आपको 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का व्यवहार कैसा रहता है। ये फैलता है, अपरिवर्तित रहेगा या सिकुड़ेगा या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने असामान्य व्यवहार के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों। जल के जल में क्या होता है, यदि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं, तो ये दोस्तों लगातार वॉल्यूम में अर्थात आयतन में क्या होता है, आयतन में दोस्तों ये एक प्रकार से सिकुड़ता है अर्थात कम होता है दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों यदि आप घनत्व में देखेंगे, डेंसिटी को देखेंगे दोस्तों, तो घनत्व में क्या होता है, ये दोस्तों एक प्रकार से बढ़ता है अर्थात सिकुड़ेगा। तो ऑब्वियस है दोस्तों, वहाँ पर सघनता बढ़ेगी। आपको बताया घनत्व का मतलब होता है जो कण हो, आपके मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, जो आपके किसी भी पदार्थ की, वो जितने पास होंगे उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा। तो मान लीजिए पदार्थ आपका सिकुड़ता है, तो इसका मतलब घनत्व वहाँ पर बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको पता भी होगा दोस्तों, जो आपका डेंसिटी, जो आपका वॉल्यूम होता है, हमेशा ही दोस्तों डेंसिटी के इन्वर्स होता है अर्थात आपकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा दोस्तों आपकी बढ़ेगी, उतना ही आपका वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पर आप कहते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि आप देखें दोस्तों, यहाँ पर आपका मैक्सिमम क्या होता है, घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, और मिनिमम दोस्तों आयतन होता है, कम से कम आयतन होता है। तो आप कहेंगे सिकुड़ेगा, तो आप याद रखेंगे। वैसे ही दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए, जो मछलियाँ होती हैं या फिर जलजीव होते हैं दोस्तों, बर्फ़ वाले क्षेत्रों में कैसे जीवित रहते हैं नीचे, तो आपको बता देंगे नीचे वाली परतों का तापमान दोस्तों आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लार्क पद्धति में जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता कहने का मतलब दोस्तों आपकी टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है दूर करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपको बता दें जल में मुख्यतया दोस्तों आपकी 2 कठोरताएँ होती हैं, जिनमें से एक होती है दोस्तों आपकी अस्थायी और दूसरी वाली होती है दोस्तों आपकी स्थायी वाली। स्थायी मतलब आपकी परमानेंट वाली। तो अस्थायी वाली दोस्तों आप नॉर्मली इसको उबाल के भी दूर कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लार्क मेथड से भी आप दूर कर सकते हैं। तो क्लार्क मेथड में क्या होता है, पहले आप देखें जल की कठोरता होती क्यों है। कठोरता मतलब दोस्तों आपकी जो हार्डनेस होती है वो आपकी कैल्शियम बाई कार्बोनेट और दोस्तों मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट के द्वारा होती है। दोस्तों आप कह सकते हैं शॉर्ट में कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के द्वारा या फिर आप कहें आयनों के द्वारा दोस्तों ये कठोरता जल में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको इनको दूर करना है तो आप कैसे करेंगे, आप क्लार्क मेथड में दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन करा देते हैं अर्थात बुझे हुए चूने की दोस्तों रिएक्शन करा देते हैं। तो इससे क्या बनेगा दोस्तों, पहले वाले में यदि आप देखें तो पहले वाले में क्या बनेगा, ये आपका CaCO3 बनेगा। रिएक्शन आप बना लेंगे आराम से इक्वल टू लगा के, और प्लस दोस्तों आपका क्या निकलेगा, प्लस में आपका H2O बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ये है, इसे आप छान के आराम से अलग कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका घुलनशील होगा, ये आपका इंसॉल्युबल होगा, तो इसे आप दोस्तों अलग कर लेंगे छान के। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, MgCO3 बनेगा दोस्तों, और आप बाद में जल को अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कठोरता को दूर करते हैं क्लार्क मेथड में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साबुन एक है, साबुन क्या है दोस्तों, कैल्शियम का लवण है या सोडियम स्टीयरेट है या सोडियम अम्ल है या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है सोडियम स्टीयरेट, आप दोस्तों नॉर्मली कहते हैं इसका नाम, या फिर दोस्तों आपका लिखा रह आ सकता है दोस्तों आपका सोडियम का लवण, क्योंकि सोडियम का लवण ही दोस्तों आपका नाम होता है, सोडियम स्टीयरेट आप नॉर्मली कहते हैं। यदि आप दोस्तों सोडियम लवण लिख के भी आएगा तो वहाँ पर भी आपका वो सही होगा। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो आपका सोडियम का लवण होता है वो दोस्तों पानी के साथ में रिएक्शन करके झाग देता है, और झाग किसके साथ में देता है दोस्तों, केवल आपका मृदु जल के साथ में देता है। जब आप सॉफ्ट वाटर में रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, आपका सॉफ्ट वाटर में जब आप साबुन को घोलेंगे तो वहाँ पर आपको झाग देगा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मृदु जल कौन सा वाला होता है, तो आप बता देंगे जो आपका साबुन के साथ में झाग देता है, और जो झाग नहीं देगा दोस्तों वो आपका कठोर जल कहलाएगा। तो ये आप अंतर पता करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी वाली है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हाउस इफेक्ट होता है दोस्तों आपका, GHE आप शॉर्ट में कहते हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें दोस्तों लगातार वातावरण का अर्थात दोस्तों जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसका दोस्तों लगातार क्या होता है,
तापमान दोस्तों लगातार बढ़ रहा है, अर्थात टेम्परेचर लगातार वृद्धि हो रही है दोस्तों, और बढ़ने से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और दोस्तों साथ ही साथ सभी जीवों को भी रहने के लिए बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। तो इसका जो उत्तरदायी कारक होता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल जो आपकी गैस होती है वो आपकी मुख्यतया CO2 होती है। ये क्या करती है दोस्तों, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश होता है उसमें आपकी IR भी होती है, आपको पता होगा इंफ्रारेड जो आपकी होती है अवरक्त प्रकाश होता है, इसको दोस्तों पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद में ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसका क्या करेगा, अवशोषण करेगा, उससे दोस्तों लगातार तापमान क्या होता है वातावरण का बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों जो आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों, बहुत ही हानिकारक होती है, जो कि ओजोन के लिए दोस्तों खासतौर पर हार्मफुल होती है। तो क्वेश्चन यदि आपका ओजोन के लिए आता है तो आप CFC में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल का सबसे क्रियाशील क्षेत्र अर्थात मोस्ट रिएक्टिव रीजन आपको बताना है कौन सा वाला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अभी अभी आपको हमने एक टॉपिक कराया था पूरा वायुमंडल की परतों के बारे में, उसमें आपको बताया था दोस्तों, हमने आपको मुख्यतः चार परतों के बारे में बताया था, जिनमें आपका नीचे वाली है दोस्तों ट्रोपोस्फियर, जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं, और उसके ऊपर वाली दोस्तों आपकी समताप मंडल, जिसे आप कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर, और उसके ऊपर वाली आपकी होती है मीजोस्फियर या फिर आप कहें से मध्य मंडल दोस्तों, और वैसे ही आपका ऊपर वाला होता है आयन मंडल। आयन मंडल आपका मुख्यतः आपके चार हो गए, यदि आप इससे बाहर जाएंगे तो आपका बहिर्मंडल भी आप कह सकते हैं एक पांचवा, तो ये आपके दोस्तों मंडल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर पूछा गया आपको क्रियाशील सर्वाधिक कौन सा वाला होता है, ये आपको बताया था हमने दोस्तों क्षोभ मंडल होता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक वायु पाई जाती है, इसमें दोस्तों लगभग 18% वायुमंडल की दोस्तों वायु पाई जाती है, तो ये आपके यहाँ पर रहता है, और इसी में दोस्तों सारे के सारे जो आपके मौसम में बदलाव होते हैं, वर्षा होती है, तूफान होते हैं, चक्रवात होते हैं, सारे के सारे आपकी इसी मंडल में होते हैं। और समताप में दोस्तों आपके वायुयान उड़ते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपके समताप में ओजोन परत भी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए ओजोन परत कहाँ पर होती है, तो आप याद रखेंगे इसमें आपके समताप में ही दोस्तों ऊपर वाले भाग में होती है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप आयन की बात करें, तो आयन में क्या होता है दोस्तों खासतौर पर, इसमें दोस्तों गैसें आयनिक होती हैं, और मध्यमंडल में क्या होता है दोस्तों, इसमें तापमान नीचे को गिरता है, जबकि नहीं तो ऊंचाई में जाने में दोस्तों आपका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका तापमान नीचे गिरता है, तो इस प्रकार से आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको सारे के सारे इंग्लिश में नाम लिख के दिए हैं, तो आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर कहें या फिर आप क्षोभमंडल कहें, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊंचाई पर पहुंचने पर लोगों की नाक से खून क्यों आता है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाया जाता है दोस्तों, मान लीजिए आपका चट्टानों पर जाया गया, तो वहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्या होता है, उनकी नाक से दोस्तों खून आता है, क्यों आता है आपको बताना है, इसका रीज़न क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बढ़ना या रक्तदाब का घटना या रक्तदाब का बढ़ना या फिर कोई नहीं, ये दोस्तों आपका मुख्य रीज़न होता है रक्तदाब का दोस्तों बढ़ना। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वो लगातार दोस्तों बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है आपको पता होगा दोस्तों, जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर आपका वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, वो कम होने से दोस्तों क्या होगा, अंदर का दाब दोस्तों आपका बढ़ेगा। मान लीजिए आपका बॉडी का दाब दोस्तों P1 है, बॉडी का दाब आपका P1 हो गया, और बाहर का दोस्तों आपका P2 हो गया। जब यहाँ पर आप अर्थ की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों बैलेंस करते हैं, तभी आपका रक्त, हमारा रक्त आराम से बॉडी में दोस्तों सर्कुलेट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर P2 घटता गया, ऊपर को आप जाते गए तो P2 कम होता गया, ऊपर को आपको पता है गैस की मात्रा कम है, तो ऊपर को जाते रहेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका P2 कम होता रहेगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक बार क्या होगा, यदि आपका P2 ज़्यादा कम हो गया दोस्तों P1 से, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका बाहर को धक्का लगाएगा, तो ये दोस्तों आपका लगातार बाहर को बहेगा। आपको पता है दोस्तों आपका दाब जो होता है ऊपर से लेके उच्च से लेके आपका निम्न की ओर चलेगा, तो इसीलिए दोस्तों रक्तदाब यहाँ पर बढ़ता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान भी आपका लगातार घटता जाता है, उसी के कारण दोस्तों आपका वायुमंडल भी कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। आर्द्रता का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये दोस्तों एक प्रकार का जो मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर कहने का मतलब है, जो आपकी दोस्तों एक निश्चित ताप पर एक नमी होती है वातावरण में, उस नमी को ही दोस्तों आप क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक दोस्तों ये आपका कहलाता है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर दोस्तों मात्रक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये विद्युत धारा को दोस्तों सीधा एम्पियर में बताता है। और वैसे ही दोस्तों लैक्टोमीटर आपको पता होगा दूध की शुद्धता को बताता है दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों बैरोमीटर जो होता है वो आपका वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्बोनेट या मृदु अर्थात सॉफ्ट पेय बनाने में प्रयुक्त कौन सी वाली गैस होती है।
देखो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कार्बोनेटेड या फिर मृदु आप कहें, कार्बोनेटेड पेय कहें या फिर आप दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक कहें, तो इसको बनाने में कौन सी वाली गैस का प्रयोग होता है आपको बताना है। CO2 का या CO का या O2 का या N2 का। इसमें दोस्तों इस्तेमाल होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उसका जब आप ढक्कन खोलते हैं दोस्तों, तो उससे झाग निकलता है, तो झाग दोस्तों आपका CO2 के कारण ही निकलता है। तो आप याद रखेंगे, आपको इस नाम से भी आ सकता है आपका, कार्बोनेटेड कहेगा तो वो भी दोस्तों आपका वही है। अगला देखिए दोस्तों, प्रोटीन का मुख्य संगठक क्या है। दोस्तों आपको पता होगा, प्रोटीन दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न होते हैं और इनका पाचन दोस्तों सबसे जटिल होता है शरीर में। अब यहाँ पर देखिए, प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों वो आपके एमिनो एसिडों से मिलकर बने होते हैं। एमिनो एसिड दोस्तों जो आपके 20 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 10 हमारे शरीर में बनते हैं दोस्तों और 10 को हम बाहर से लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एमिनो एसिड होते हैं वो आपके काहे से बने होते हैं दोस्तों, मुख्यतया नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो आप कह देंगे दोस्तों, जो आपका प्रोटीन का मुख्य संगठक होता है वो आपका N होता है, अर्थात दोस्तों आपका नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह तापमान जिस पर वाष्प संघनन के बाद जल की बूंदों में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह ताप आपको बताना है जहाँ पर वाष्प जो होती है दोस्तों वो दोबारा से फ्रीजिंग होगी दोस्तों, संघनित होगी, क्या बनती है, एक जल की बूंद बनती है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए क्या बिंदु कहलाएगा, कौन सा वाला ताप कहलाएगा आपको बताना है। ओस बिंदु कहलाएगा, त्रिक बिंदु कहलाएगा या ताप बिंदु कहलाएगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका ओस बिंदु कहलाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है आप याद रखेंगे। ये आपका दोस्तों ड्यू पॉइंट कहलाता है, ओस बिंदु कहलाता है, आप याद रखेंगे। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका त्रिक बिंदु पूछा जाता है, तो त्रिक बिंदु क्या होता है दोस्तों जल में, ये आपका वह बिंदु होता है जहाँ पर दोस्तों द्रव का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर द्रव को यदि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे यहाँ से, तो ये दोस्तों आपका ठोस में या द्रव में या गैस में बदल जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आपका तीनों के सेंटर में होता है, यदि आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो यहाँ से एक अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं की सेंटर में होता है। तो एक क्वेश्चन बार बार त्रिक का भी आता है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से एक द्वितीय प्रदूषक अर्थात सेकेंडरी जो आपका पॉल्यूट्स है दोस्तों, कौन सा वाला है, पॉल्यूटर है। यह आपका दोस्तों स्मॉग होगा या CO होगा या SO2 होगा या CO2 होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका सेकेंडरी कहने का मतलब है दो प्रकार के दोस्तों प्रदूषक होते हैं, एक आपका प्राथमिक होता है। प्राथमिक मतलब दोस्तों आपका जो डायरेक्ट वातावरण को दोस्तों प्रदूषित करता है। तो इनमें से आपका देखिए, आपका CO2 हो गया या फिर आपका CO हो गया या फिर आपका SO2 हो गया या फिर आपका और भी दोस्तों आपके गैसें हो गई, विषैली गैसें हो गई, CFC हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से डायरेक्ट प्रदूषित करते हैं। तो ये आपके प्राथमिक हो गए। एक आपके होते हैं दोस्तों आपके द्वितीयक, द्वितीयक मतलब आपके सेकेंडरी जो होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट नहीं करते बल्कि प्राथमिक से बन के ही दोस्तों बाद में रिएक्शन करके बाद में बनते हैं। जैसा कि आपका स्मॉग यहाँ पर है, स्मॉग दोस्तों आपका द्वितीयक है। स्मॉग में क्या होता है दोस्तों, ये मुख्यतः आपका धूम और धूम कोहरा भी से आप कहते हैं। स्मॉग मतलब आपका धूम कोहरा, आपने देखा होगा। तो कभी क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि बताइए स्मॉग काहे से मिलके बना होता है। तो स्मॉग में दोस्तों आपका मुख्यतः SO2 होती है और प्लस आपका दोस्तों जो पेट्रोलियम या फिर कोयले को जलने के बाद में जो धुआं होता है दोस्तों वो आपका होता है धुआं, या फिर आप कहें वो जो आपकी जलने के बाद में जो गैस निकलती है, तो वो आपकी कोयला और पेट्रोलियम दहन गैस आप लिख लेंगे। और प्लस दोस्तों आपका क्या होता है, IR होता है। IR मतलब आपका इंफ्रारेड, जो आपकी प्रकाश से निकलने वाली किरण होती है दोस्तों, IR होती है वो दोस्तों। जब मिलती है तो तीनों साथ में मिलके दोस्तों क्या बनाते हैं, एक प्रकार से धूम को बनाते हैं, स्मॉग को बनाते हैं दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों, ये वातावरण को गंदा करता है, तो आप द्वितीयक प्रदूषक कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायु के मुख्य घटक क्या है। वायु के मुख्य घटक आपको बताना है दोस्तों, H2O और ज़ीनोन होगा या CO2 और हीलियम होगा या H2O और CO2 होगा या N2 और O2 होगा। आपको पता है दोस्तों, मुख्यतः जो वायु में होते हैं दोस्तों, वायु में आपकी नाइट्रोजन होती है और आपकी ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और क्या होते हैं दोस्तों, अक्रिय गैसें होती हैं, जैसा कि आपका ज़ीनोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो नियॉन हो गया, सारी की सारी अक्रिय गैसें होती हैं। अब इनमें देखिए दोस्तों, आपका जो ये है मुख्यतया, ये आपका 78% होता है लगभग नाइट्रोजन, और वो दोस्तों आपकी 21 point something होती है, या फिर आप इसे 22 भी कह सकते हैं। और CO2 दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में होती है, 0.0 something मात्रा में, और ये तो बहुत ही कम मात्रा में 0.0002 लगभग दोस्तों आपकी होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, जो आपके मुख्य संगठक हैं वो आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।